हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो साबुन का कंपैरिजन वीडियो। पहला है न्यू लिरल लाइम एंड टी ट्री ऑयल सोप और दूसरा है गोदरेज का सिंथॉल लाइम रिफ्रेशिंग डियो सोप। दोनों में ही मेन इंग्रेडिएंट लाइम है, तो मैंने सोचा कि इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे लिरल के बारे में, तो ये हमें फ्रेश करता है और सिंथॉल का भी जो साबुन है वो हमारे बॉडी को बहुत ही फ्रेश करता है। बेसिकली इन दोनों साबुन का इस्तेमाल आप समर डेज में कर सकते हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं इनके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो जो लिरल का इंग्रेडिएंट है उसमें है सोडियम पैलमेट, सोडियम पाम कर्नलेट, वाटर, परफ्यूम, ग्लिसरीन। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें मिलाई गई हैं और इसमें लाइम यानी कि सिट्रिक एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल किया गया है, टेट्रा सोडियम है। और लिरल का जो इंग्रेडिएंट है वो सिंथॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा केमिकल इन्वॉल्व हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिंथॉल के इंग्रेडिएंट के बारे में। तो इसमें भी सोडियम पैलमेट, सोडियम पाम कर्नलेट, वाटर और परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया है, ठीक उसी तरह जैसा कि लिरल में यूज़ किया गया था। इसमें भी सिट्रिक एसिड एंड लेमन पील एक्सट्रैक्ट को मिलाया गया है। अब हम जान लेते हैं इनके सेल्फ लाइफ के बारे में। तो लिरल का जो सेल्फ लाइफ है वो लगभग 2.5 साल है और सिंथॉल का सेल्फ लाइफ 24 मंथ्स है। सिंथॉल और लिरल दोनों में ही वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। सिंथॉल का TFM यानी कि टोटल फैटी मटेरियल है 76% और ये ग्रेड 1 साबुन है, और लिरल का जो साबुन है वो ग्रेड 2 है, उसका TFM 73% है। अगर आप ग्रेड के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे तो जो सिंथॉल साबुन है वो लिरल से ज़्यादा बेहतर है। अब प्राइस की बात कर ले तो प्राइस अगर आप कंपेयर करेंगे तो लिरल आपको मिलेगा 30 रुपीज़ में 75 ग्राम और सिंथॉल मिलेगा 55 ग्राम 10 रुपीज़ में, यानी कि सिंथॉल यहाँ पर भी बाजी मार गया। सिंथॉल इसमें भी आपको ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा। फ्रेग्रेंस की बात की जाए तो सिंथॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल लाइम की तरह है। लिरल की भी खुशबू लाइम की तरह है, बट सिंथॉल बहुत ज़्यादा ही खुशबू वाला है। जब आप वॉशरूम से निकलेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल फ्रेग्रेंस आपको लाइम की तरह दिखेगा। स्किन टाइप की बात करें तो ये दोनों ही प्रोडक्ट सुटेबल हैं ऑयली स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इन दोनों साबुन का इस्तेमाल ना करें। कुल मिलाकर ये दोनों ही बेस्ट हैं समर डेज के लिए। अगर आपको मेरे छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेक केयर एंड बी हैप्पी।